अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो दोस्तों, आज हम दोबारा सैटरडे नाइट, ये कल हमारी छुट्टी है, तो आज सैटरडे नाइट आप लोगों को पता है कि हम लोग अक्सर निकलते हैं बाहर डिनर के लिए। आज काफ़ी दो हफ्ते बाद तकरीबन हम दोबारा निकले हैं, क्योंकि बीच में तबीयत काफ़ी ख़राब थी बच्चों की, फिर मेरी मिसेज की, फिर मेरी तबीयत ख़राब रही। तो आज हम आए हैं यहाँ शारजा में, तो यहाँ करीब करीब में दोनों एक यमनी अरबिक रेस्टोरेंट है, और इन दोनों में से अभी हम सेलेक्ट करते हैं कौन से में। दोनों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं इंटरनेट के ऊपर, 4.3 रेटिंग है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। दोनों में से किसी एक में जाते हैं और वहाँ जाके खाना खाते हैं, भी अपना खाना एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और उसके बाद उस खाने का रिव्यू देते हैं। हाँ तो दोस्तों, एक ये रेस्टोरेंट है मुकल्ला अल अवल मंदी रेस्टोरेंट, और एक सामने है इसका नाम है हज़र मौत पब्लिक रेस्टोरेंट। तो इन दोनों में से किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मेरा इरादा बन रहा है हज़र मौत पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने का। तो वहाँ जाते हैं और जाते हैं अंदर, फिर जाके देखते हैं क्या है सिस्टम वहाँ का। हम अभी इस पोर्शन में गए थे, ये बैचलर्स के लिए पोर्शन है, और आगे जाकर आगे ये पोर्शन इनका फैमिली का है। यहाँ जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ आए हैं, और यहाँ जो इनका सिस्टम है ना, वो थोड़ा पुराना, इस तरह का इनका पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल होता है। सेपरेट सेपरेट फैमिली के हिसाब से पोर्शन बनाए हुए, और यहाँ सेपरेट ये हिसाब किताब है। इस तरह से आप बैठे, ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये हमजा भाई बैठे हुए हैं। ये स्टार्टर आ गया हमारा, सूप है स्टार्टर के अंदर, और ये जो इनकी चटनी होती है, एक स्पेशल रेड कलर का चटनी जो होता है, और ये कुछ सैलेड है, हरे पत्ते हैं, अभी कौन से हैं ये तो मालूम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये यखनी का सूप है आई थिंक, और बहुत ही गर्म गर्म हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम यहाँ आए हैं, ये स्टार्टर तो इन्होंने हमें दे दिया बगैर मेन्यू हमसे कुछ पूछे अभी। मतलब यहाँ के एक समझे एक रिवाज है इनका, कि जो भी आता है बैठता है, सबसे पहले उसको स्टार्टर में ही सूप दे देते हैं कुछ भी ऑर्डर करने से पहले। तो अभी इनसे हमने पूछा कि भाई क्या क्या है मेन्यू में, तो इन्होंने बोला अभी 10:30 बज रहे हैं, और ये बकरे के जो भी आइटम होंगे या फिर दुम्बे के समझे लहम वगैरह जो होता है उसकी मंदी, वो सब फिनिश हो चुकी है, क्योंकि इधर रश काफ़ी है समझे। बराबर में जेंट्स सेक्शन में भी बहुत रश है, और यहाँ फैमिली सेक्शन में भी काफ़ी रश है। तो वो समझे बकरे का और दुम्बे का जो भी आइटम होगा वो सब फिनिश हो चुका है। तो इनसे ही मैंने पूछा कि भाई अब आप बताएं आपका स्पेशल हमें क्या मिल सकता है इस टाइम पर। तो इन्होंने बताया कि इनकी मंदी और मतवी चिकन की, ये इन्होंने दो मुझे बोला है, सजेस्ट किया है, ये आप लीजिए, ये आपको अच्छा लगेगा आपकी फैमिली को। तो मंगाए हैं, अब देखें आते हैं और टेस्ट करते हैं फिर उसको। अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी मंदी आ गई, ये चिकन मंदी है, ये चिकन मतवी है, और इसके साथ ये एक और चिकन मंदी है। तो चिकन मंदी से स्टार्ट करते हैं हम, या समझे ट्रेडिशनल स्टाइल से। ये इनकी चटनी को मिक्स करते हैं चावलों में थोड़ा। यहाँ हम चिकन का पीस तोड़ेंगे थोड़ा सा। ओहो, फुल गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है माशाल्लाह। ये हमने एक निवाला बनाया अरबिक स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत टिपिकल जो एक अरबिक ट्रेडिशनल मंदी होती है, माशाल्लाह उसका टेस्ट है, और बहुत बेहतरीन। ये चिकन इतनी टेंडर और जूसी हो रही है माशाल्लाह, ये कि मुंह में जाते ही जो इसका एक मज़ा आया ना चिकन का, बहुत बेहतरीन मज़ा आया, और चावल भी बहुत अच्छे हैं। ये आ गई हमारी चिकन मतवी, ये थोड़ी अलग स्टाइल की है, वो थोड़ा ग्रिल स्टाइल है, ये थोड़ा अलग स्टाइल है, उसमें भी हम चटनी डालेंगे। ये चटनी हमने मिक्स कर ली है, और इसका भी लेग पीस हम तोड़ेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसका चिकन का अलग टेस्ट है, लेकिन ये भी अच्छा है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा है वो चिकन मंडी लगी है। चावल आई थिंक दोनों में सेम ही यूज हुए हैं, चावलों का टेस्ट सेम है, सिर्फ चिकन का स्टाइल जो है वो चेंज है। ओवरऑल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा दही भी डालेंगे हम इसके अंदर और चटनी थोड़ी सी और ऐड करेंगे। ये जो इसकी स्किन होती है ना, बहुत ही बेहतरीन लगती है ये चिकन की। कुछ लोग बोलते होंगे ये इस तरह खाना खाते हैं, मंडी खाने का यही स्टाइल है भाई, इतने अच्छे स्टाइल में आप नहीं खा सकते। मंडी खाने के लिए चमचा काटे वो हिसाब किताब नहीं है, हाथ वाला हिसाब किताब होता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत बेहतरीन चिकन का टेस्ट है। इसकी जो मंदी है ना, मदबी भी अच्छी है लेकिन मंदी बहुत बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा दोस्तों ये कुनाफा आ गया है, और अभी खाना खाएं और कुनाफा ना खाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका सिरप है अरबिक कुनाफे का, हमारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया ये। कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा आ जाएगा यार। ये देखें माशाल्लाह, आवाज़ देखिए इसकी, ये कैसी करारा होता है ये। अच्छा, ये साइड का थोड़ा हम इधर करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सेंटर में जो है इसका सिरप जो है वो ज़्यादा डाला है। तो देखिए बीच में चीज़ है और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला टेस्ट है। मुझे भी चाहिए। हाँ मुझे भी चाहिए। हाँ क्या बोला? ये जो वाइट इसके अंदर इन्होंने डाला हुआ है, चीज़ है, क्रीम है, क्या चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है इसका। और ये मेरी बेगम ने बोला है मुझे आज, कमिटमेंट ये है कि ये नहीं खाएंगी, तो ये मैं और मेरे बच्चे ही फिनिश करेंगे आज ये। बहुत आला भाई, जी हमदा भाई, अच्छा है, अच्छा है या बहुत अच्छा है? आपने जितने भी कुनाफा आज तक दुबई में खाए हैं उसके हिसाब से इसका क्या मतलब बताएंगे? ये ज़्यादा अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है। चले अच्छा।